स्वच्छता की मुख्य थीम को लेकर 6 साल बाद दूसरी बार नैमिषारण्य आए योगी आदित्यनाथ ने जिले को विधानसभावार 550 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा दिया। वेदव्यास धाम पर आयोजित जनसभा कार्यक्रम के लिए बनाए गए मंच से उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। आपको बता दें कि हर बार स्वच्छता के साथ मोदी का जिक्र और उनकी तारीफ करना नहीं भूले। 9:55 पर हेलीकॉप्टर से नैमिषारण्य पहुंचे, जहां उतरने के बाद सीधे चक्रतीर्थ तथा ललिता देवी मंदिर पर होने वाले कार्यक्रमों को निपटाते हुए 11:15 पर वेदव्यास धाम पर आयोजित कार्यक्रम जनसभा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी ने बारी बारी से स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मौजूद सांसद राजेश वर्मा ने संबोधन किया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया। अपने उद्बोधन में शुरुआत नैमिषारण्य की महिमा से शुरू की, जिसमें उन्होंने माँ ललिता देवी, वेदव्यास, चक्रतीर्थ, सत्यनारायण कथा आदि के बारे में आदि का महिमा का वर्णन किया। आपको बता दें कि 18 मिनट के अपने भाषण काल के अंतिम चरण में उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी दी। नैमिषारण्य में कॉरिडोर बनाने को लेकर हो रहे विरोध पर मुख्यमंत्री पहले ही भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने बता दें कि अपने संबोधन में कहा कि नैमिषारण्य में के किसी भी पुजारी, पंडा, माली या किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। सनातन धर्म वही है, अगर किसी ने आपके प्रति कोई योगदान किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, उन संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ लेना, यही गुरुजनों के प्रति हमारी कृतज्ञता की भावना और उसी कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इस पौराणिक पीठ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस पीठ को एक बार फिर से नमन करता हूँ। 550 की करोड़ रुपए की परियोजनाओं को, इन सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं।